दोस्तों, स्वागत है आपका डाटा हाउस टेक्नोलॉजी के एक नए वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं होटल सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आप भी किसी होटल के सॉफ्टवेयर की तलाश में हैं और चाहते हैं कि अपनी होटल को कंप्यूटराइज करें, तो आज आपकी तलाश खत्म होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आसानी से आप अपने होटल के चेक इन चेकआउट से रिलेटेड जितने भी एंट्रियां हैं वो कर सकते हैं, साथ ही स्टॉक मेंटेन भी कर सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनको मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने होटल से जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी कंप्लीट रिपोर्टिंग इस सॉफ्टवेयर में आप पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो स्पीड प्लस 9.0 के नाम से इस तरह से आपको एक आइकॉन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपको इस तरह से आपका होटल का नाम दिखेगा। आप अपने होटल के नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। फिलहाल मैं एडमिन और एडमिन यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपको पासवर्ड रखना है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आते हैं चेक इन और इसके डैशबोर्ड पे, मतलब रूम बुकिंग, चेक इन, चेक आउट, फूड सर्विस, सेल, परचेज, टच पॉस, POS, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में मिलता है। पूरी होटल की पूरी रिपोर्ट्स मिलती हैं, एंट्रीज पूरी मिलती हैं, मास्टर क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है, तो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बुकिंग आती है तो हम रूम बुकिंग में जाकर न्यू रूम बुकिंग में क्लिक करके रूम बुकिंग बना सकते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पे आप विजिटर्स का नाम डालेंगे, जो भी क्लाइंट आपके होटल पे रुकते हैं उनका नाम डाल सकते हैं, जैसे मनोज तिवारी, इस तरह से हमने कोई नाम डाल दिया। इसी तरह से उनका फ़ोन नंबर या और भी कोई डिटेल डालनी है वो आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसके बाद वो कंपनी क्या है उनकी, HDFC फॉर एग्जांपल हमने डाला, डिपार्टमेंट डाला, डेजिग्नेशन डाला कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव ले लिया हमने। इस तरह से आप नाम ले लेंगे, एड्रेस डाल देंगे, सिटी डाल देंगे। एड्रेस में हमने मान लीजिए यहाँ पर डाल दिया सिविल लाइन। तो इस तरह से पूरा फॉर्म आप भर लेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी चीज़ें आपके सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको कोई फॉर्म कंपलसरी नहीं है कि नहीं इसको नहीं भरेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेगा सॉफ्टवेयर, है ना, डिपेंड करता है आपको कब की बुकिंग है। फॉर एग्जांपल आज की बुकिंग डाल देता हूँ मैं, रूम नंबर 104 ले लेता हूँ। टैरिफ मेरी 850 में डन हुआ तो 850 कर लूँ। अगर मुझे टैरिफ चेंज करना है तो यहाँ से डबल क्लिक करके मैं अपना टैरिफ जो है इनको जो मैं दे रहा हूँ उसको चेंज कर सकता हूँ। कुछ अगर एडवांस मनी वगैरह लेना है, रिसीव करना तो ले सकते हैं। प्लस करके यहाँ पे आप अपने पेमेंट कैसे मिली आप उसकी डिटेल डाल दीजिए, नहीं डालना फिलहाल तो मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। इस तरह से आपका ये बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बुक करके अगर आप सामने कस्टमर को डिटेल भेजना चाहते हैं कि आपका बुकिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से एक फॉर्मेट आ जाएगा। आप उनको ये व्हाट्सअप कर सकते हो यहीं पे क्लिक करके, और या प्रिंट निकाल के भी आप दे सकते हो। बुक करते ही ऑटोमेटिक SMS भी चला जाएगा क्लाइंट को। तो ये हमारा बुकिंग का सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम मान लीजिए हमारे पास वही कस्टमर चेकिंग के लिए आता है, तो हम न्यू चेकिंग में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, डेट ऑटोमेटिक आती है, अगर हमें कुछ चेंज करना चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इंटर करते हो ऑटोमेटिक आपको बुकिंग जो भी आपके पास बुकिंग है दिखाई देगा, वहाँ पे एंट्री आ जाएगी। इंटर करते ही आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी। कितने लोग आपके यहाँ रुक रहे हैं उसकी डिटेल आपको डाल देनी है, कितने जेंट्स हैं वो डाल देना है। अगर गेस्ट की अपनी फ़ोटो अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फोटो भी, जो भी उनकी फ़ोटो है, पिक्चर है, वो आप अटैच कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई फ़ोटो अटैच कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फोटो अटैच करनी है, तो इस तरह से मैं अपनी कोई भी फोटो अटैच कर सकता हूँ, अपने कस्टमर की फोटो अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से वैल्यूएटेड सर्विसेज कोई ऐड करनी है, एक्स्ट्रा रूम की या कोई भी चीज़ें, तो मैं उसको भी डिटेल डाल सकता हूँ। सिंपल अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे अगर मुझे डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो डॉक्यूमेंट को भी इसी तरह मैं पिक लेके अलग से डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकता हूँ, और उसका डॉक्यूमेंट नंबर डाल दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है और उसका क्या है, ये सॉरी आधार नंबर है, UID है, क्या है उसका, वो डाल देंगे, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे।
इसी प्रकार से सारे डिटेल भरने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका चेक इन कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से इसका भी अगर रिसिप्ट निकालना चाहते हैं, चेक इन डिटेल निकालना चाहते हैं, तो आप चेक इन डिटेल भी प्रिंट आउट ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें कस्टमाइज भी हो जाती हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो हम चेंज करके उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो गेस्ट आपके यहाँ रुकता है काफ़ी दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, तो अगर आपको देखनी है चेक इन की कौन कौन से रूम लगे हुए हैं, तो होटल रिपोर्ट में जाके स्टे व्यू में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको जितने भी रूम लगे होंगे आपको दिखा देगा कि पंकज रैकवार रुके हुए हैं, 29 को भी रुके हैं, 30 को भी रुके हैं, मनोज तिवारी सिर्फ 29 के लिए बस आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा ये डैशबोर्ड दिखता है कि 7 दिन से कौन रुका है, कितने रूम ऑक्यूपाइड हैं, कितने क्या हैं, ये सारी डिटेल आपको दिख जाती है, बुक ऑक्यूपाइड वैकेंट, ये सारी डिटेल आपको सामने मिल जाएगी। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से, इसी तरह से अलग अलग रिपोर्ट पूरी जनरेट कर सकते हैं। आपको और भी चीज़ें मैं आगे इस सॉफ्टवेयर में बताने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर तरह से बिजनेस के सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। तो आज हम इस क्रम में आपको होटल सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से अब वापस हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो जो रूम लगे हुए हैं, यहाँ पे सारी डिटेल दिख रही है कि हमारे पास टोटल चेक इन इतना है। अब हम अगर यही रूम आपका चेकआउट होता है तो सिंपल न्यू में जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे पार्टी का नाम ऑटोमेटिक जितने भी रूम आपके होंगे वो जो भी चेकआउट करने होंगे वहाँ पे डिटेल आ जाएगी। इंटर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल डालनी है चेंज कर दीजिए, नहीं डालनी डिटेल चेंज मत करिए। सिंपल यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह, फूड सर्विस, कुछ भी चार्ज है आप ऐड कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे डाल देना है, एंटर करना है। और यहाँ पे जो पेमेंट का एडजस्टमेंट होता है, ये बहुत काम की चीज़ मैं बताने वाला हूँ, कि अगर मान लीजिए आपके पास पेमेंट कैश आती है तो कैश हम डाल देंगे 952। फॉर एग्जाम्पल मेक माई ट्रिप से या किसी और उससे इसका पैसा होना है, या फ़ोन पे से आया है तो फ़ोन पे हम डाल देंगे, मेक माई ट्रिप या गो आई वीवो में से कहीं से भी अगर कोई रूम लगा है तो हम वो डाल सकते हैं, यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं और सिंपल ओके करेंगे तो आपका ये रूम चेक इन हो जाए, मतलब चेकआउट हो जाएगा। और इस रूम में डर्टी क्या है, मतलब क्या इसमें खराबी, अगर कुछ अगर रिमार्क लिखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, लाइट ब्लिंक कर रही है ना, तो ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम लिख दिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये आपका चेकआउट जो रूम चेकआउट बिल है वो जनरेट हो जाएगा, और देखिए कितना शानदार, कितना अच्छा और कितना प्यारा बिल निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे लोगो बन जाएगा, कस्टमर की सारी डिटेल आपके सामने आ रही है, चेक इन चेकआउट टाइम कितना, इनवॉइस नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ डे स्टे, मेन मील प्लान क्या है, मोबाइल नंबर कितना है, जीएसटी नंबर कितना है, मतलब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पूरा बढ़िया दिखिए। बैकग्राउंड में आपका लोगो आ रहा है, यहाँ पे आपकी जो जीएसटी की डिटेल है वो आ रही है, रूम रेंट टैरिफ हो गया वो चीज़ें आ रही हैं, तो सिंपल सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कितना बेहतरीन एक बिल बन के आ रहा है। इसको आप यहीं से व्हाट्सअप में क्लिक करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं, मतलब सारी फैसिलिटी इस सॉफ्टवेयर में है। और चेकआउट होते ही ऑटोमेटिक इसका SMS भी कस्टमर को चला जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि किस तरह से रूम बुक कर सकते हैं, चेक इन चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये देखना है कि दिन भर में हमारे कितने रूम लगे हैं, रिपोर्टिंग के पार्ट में आते हैं, तो होटल रिपोर्ट में नाइट ऑडिट रिपोर्ट है, डर्टी रूम लिस्ट है कि कौन कौन से हमारे डर्टी रूम है, ये देखिए। अभी हमने 104 क्लिक किया, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम थी, इसमें नल लीकेज था, तो ये हमारा क्लीन रूम करना है, सेलेक्ट करेंगे रूम को और यहाँ पे क्लीन रूम कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो रूम हट जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डर्टी रूम मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपकी नाइट ऑडिट रिपोर्ट है कि आज हमारा टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, चेकआउट कितना है, रूम रेंट कितना था, कितना पैसा आया, सारी डिटेल आपको मिल रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी रूम सर्च कर सकते हो, नीचे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको गेस्ट लिस्ट देखना है, गेस्ट लिस्ट आपको ऑप्शन मिलता है कि कौन कौन से गेस्ट हैं। आपको इसी प्रकार से पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की, आपको अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देनी होती है अपने गेस्ट की तो पूरी डिटेल डाल सकते हैं, है ना, रजिस्टर जो बन के आता है। इसी प्रकार से स्टे व्यू, बिजनेस सोर्स रिपोर्ट, टॉप कस्टमर लिस्ट,
ये सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। अब कई कस्टमर का हमारे पास क्वेश्चन होता है कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं ऑटोमेटिक इसमें एक बार हम जब चेकआउट कर चुके हैं तो जब नेक्स्ट टाइम हम चेक इन करने आए तो क्या हमें वो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे, ये आपको बुकिंग करने के बाद ये सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो कि मनोज तिवारी हमारे पास आ रुके हैं, तो हम इनको डबल क्लिक कर जैसे ही करेंगे सारी डिटेल अपने आप ये सॉफ्टवेयर उठा लेगा, उसका फोटो आधार कार्ड डिटेल सब कुछ ले लेगा। बार बार आपको चेक इन डिटेल डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। तो इस तरीके से सिंपल दोबारा रूम देना है हमें, तो दोबारा हमने 103 दे दिया। तो इस तरीके से आसानी से आप रूम दोबारा असाइन कर सकते हैं, दोबारा चेक इन कर सकते हैं, कस्टमर की डिटेल बार बार डालने की जरूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं और भी रिपोर्ट्स के बारे में, जैसे हमने अभी देख रहे थे कि होटल रिपोर्ट में क्यूओटी रजिस्टर है, फूड सर्विस बिल है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें मिलती हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो रूम सर्विस और आपका रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है वो भी दिया गया है, उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे कि फूड सर्विस को हम कैसे रूम के साथ अटैच करके देखें और किस प्रकार से हम फूड सर्विस या रेस्टोरेंट में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यह एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सब कुछ हो जाता है, बैलेंस रिपोर्ट, आपकी फंड फ्लो चार्ट, कैश बुक, आपकी GST रिपोर्ट, आपकी आउटस्टैंडिंग, सब कुछ इसमें मिल जाती है, परचेज रिपोर्ट, आपका स्टॉक जो परचेज करते हो अपने स्टोर के लिए वो भी इसमें मेंटेन हो जाता है, रेसिपी मैनेजमेंट है ना, ऑटोमेटिक SMS का ऑप्शन है, GST का जो रिपोर्ट है वो है, ऑडिट ट्रायल है, आपको प्रमोशन करने का है कि एक बार सारे कस्टमर को एक साथ आप प्रमोशन कर दें, तो उस तरह से काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को लगाने के बाद जनरली कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिंटिंग 90% तक कस्टमाइजेबल है, मतलब जैसा आप चाहो वैसा आप प्रिंटिंग का फॉर्मेट, जिस भी चीज़ का फॉर्मेट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी यह सॉफ्टवेयर खरीदना है और हमें इस सॉफ्टवेयर का डेमो लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करिए। डाटा हाउस टेक्नोलॉजी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है, हम यह सॉफ्टवेयर आपको सेल करते हैं, सर्विस देते हैं। सॉफ्टवेयर के जो वैल्यू है वो 15,600 रुपये है, आपको अभी अगर ऑफर में है तो आप हमें एक बार कॉल करके प्राइस डिस्काउंट ले सकते हैं, हम आपको बेस्ट से बेस्ट रेट पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देंगे। और यह सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर भी ले सकते हैं आप, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो 25,200 रुपये है ना, GST अलग से। तो इस तरीके से आप इसका सिंगल यूजर या मल्टी यूजर प्लान जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए। हर बिजनेस का सलूशन हमारे पास है, सॉफ्टवेयर में हम आपको उस तरह से सलूशन देते हैं कि आपका बिजनेस आसान और फास्ट हो सके। थैंक यू।